दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद केवट एक पेंसिल स्केचिंग आर्टिस्ट हूँ और अपनी आर्ट के एक छोटे से एक प्रदर्शन के द्वारा मैं आपको आज के अपने भारत और चाइना के बीच की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। चलो एक छोटा सा वीडियो है, लेट स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक थोड़ा सा पहले अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। उस बैकग्राउंड में ये है कि आज ज़्यादातर हम लोग जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि ज़्यादातर हम लोग चाइना का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाइना के मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो चाइना की जवाबदारी, चाइना का जो व्यवहार बनना चाहिए था हमारे प्रति एक सम्मानपूर्वक होना चाहिए था, लेकिन चाइना हमारे प्रति एक हॉस्टाइल नेचर अपना के रख रहा है। और इसके कारण मतलब बॉर्डर पर हमारे सैनिक उनको रिटेलिएट करने के लिए उनके आँख से आँख मिला के खड़े हुए हैं। लेकिन एक आम भारतीय होने के कारण हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं कि हम भी उनको न बॉर्डर पर न जाकर हम अपने लेवल पर अपने देश के प्रति कुछ कर सकें इस सिचुएशन से निपटने के लिए। तो चलिए उसी सिचुएशन पे ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है। तो देखिए अभी की प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि देखिए आप इसमें देख रहे हैं ये सारे जो ऐप हैं ये सारे चाइनीज़ ऐप ये सारे चाइनीज़ ऐप हैं और चाइनीज़ ऐप हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, ये सारी कंपनियां जो हैं इनमें चाइना का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और इन सब का यूज़ अपन कर रहे हैं। तो देखिए हम किस तरह मतलब इन सब चीज़ों से हट के और अपने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को अपना मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसका छोटा सा एक ये क्लिप है। तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये है कि आपका जो ये बोलना चाहिए आपको अपने लाइफ में सिर्फ 3 D का इस्तेमाल मतलब व्यवहार में लाना पड़ेगा। पहला D है आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे ये जो सारे ऐप हैं इनको मुझे ऐप हैं या जो अपना प्रोडक्ट है इन सबको मुझे मतलब ये है कि अपनी लाइफ में अपनाना ही नहीं, तो ये आपने डिसीजन ले लिया। दूसरा है कि अब आपको लेना पड़ेगा एक अपने मन में डिवोशन, अपने देश के प्रति एक डिवोशन लेना पड़ेगा। जब आप डिवोशन करेंगे कि हमें ये सोचना है कि हमें अपने देश में अपने देश के प्रति अपने पूरा समर्पण दिखाना है और अपने देश के ही प्रोडक्ट है जो होममेड प्रोडक्ट है वो यूज़ करना है, तो ये सेकंड थिंग दूसरे D का मतलब ये होगा। और थर्ड D का मतलब हो जाता है कि आपको अपना एक दृढ़ निश्चय करना है, डिटर्मिनेशन करना है अपनी लाइफ में कि मैं कभी भी जहाँ तक हो सके मैं कभी भी ये जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करूँगा। जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, जो भी मोबाइल ऐप यूज़ करूँगा वो जहाँ तक हो सके मैं इंडियन ऐप का यूज़ करूँगा। तो ये देखिए इसमें आपको ये डिवोशन ये है कि आपको जब तक ये स्केचिंग हो रही है मतलब जब तक आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों का जो यूज़ कर रहे हैं वो जब तक आप अपने जहाँ संभव हो सके इंडियन मेड या होम में मतलब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तौर जो बना हुआ है उसी का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप आपको एक ऐसी चीज़ सामने आ जा रही है जो कि एक इंडिया का होम मेड मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तरह पर आई हुई है। तो ये देखिए आपको इसमें कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक अपने लेवल पे एक प्रकार से आप अपने देश के लिए समर्पण दिखा सकते हैं। आपको बॉर्डर पे जाके सैनिकों की तरह लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठे जहाँ तक अपना लेवल है, जहाँ तक आपकी पहुँच है अपने देश के प्रति समर्पण दिखाने का, इससे बढ़िया और एक एग्जांपल शायद मेरी आर्ट के थ्रू शायद मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए जहाँ चाइना का फ्लैग था, चाइना के प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे थे, वहीं पर एक छोटी सी एक अपनी मन में एक डिवोशन लेके एक मन में एक डिटर्मिनेशन पैदा किया और आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है। और इस वीडियो में जब ये पूरा स्केचिंग पूरा डार्क हो जाएगा तब आप देखेंगे कि आप किस एक आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और ये जो चाइना का प्रोडक्ट है या दूसरे देशों के जो भी प्रोडक्ट हैं वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से किस तरह डाइल्यूट हो जाते हैं, जिस प्रकार ये ब्लैक पेंसिल से ये सारा पोर्शन ब्लैक हो गया, कहाँ जो दूसरे ऐप दिखाई दे रहे थे वो सारे ऐप डाइल्यूट हो गए हैं और एक अब आप एक स्वदेशी और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में पूरी तरह से अपना चुके हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से। तो ये एक मेरा एक छोटा सा एक आइडिया था, एक आर्ट था जिसके द्वारा मैंने आपको ये बताना चाहा है। तो इसमें एक ये देखिए आप देख रहे होंगे कि एक जो शेर बना हुआ है जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के मेक इन मूवमेंट का जो
एक सिंबल है, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा। साथ ही साथ अगर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को आप मूवमेंट को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही, मेक इन इंडिया का जो मूवमेंट है, जो एक अभियान है, वो पूरी दुनिया में छा जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये एक शेर बना हुआ है, ये पूरा ग्लोब है जो राउंड शेप का है। इसमें साथ ही साथ ये जो देखा है, इसको ग्रीन कलर किया जा सकता था लेकिन इसमें कलर नहीं दिखेगा, और इसको सेफ्रन और ये पोर्शन वाइट। इस तरह ये एक नेशनल फ्लैग का रूप लेते हुए पूरी दुनिया में हमारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को मतलब प्रमोट करने के लिए एक प्रकार से ये मेरी एक आर्ट का छोटा सा एक नमूना था। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैंने बनाई है, पहला वीडियो है मेरा। तो मैं आपसे यही एक विनती करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा ये विचार, मेरे ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें जहाँ भी, अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी सब पे। और बाकी अगर आपको इस वीडियो की बारे में और कुछ मेरे अपडेट चाहिए रहेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो